मैनपुरी में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में मैनपुरी की जनता का मूड क्या है उसे जानने के लिए हम निकल पड़े हैं मैनपुरी की गलियों में, और तमाम लोगों से हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि किस पार्टी का ज़्यादा बेहतर यहाँ पे रिस्पांस है और किसको लोग पसंद कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, पूरा नाम क्या है? सचिन यादव। सचिन यादव, तो क्या लग रहा है कि इस बार मैनपुरी में क्या स्थितियां बनेगी? नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो अब क्या परिस्थितियां बन रही है? यहाँ तो साहब सब सफा ही है, सब सफा, सब सफा है, सब सब सफा है एक तरफ से। सपा क्यों, सपा को क्यों समर्थन है? आज शुरू से सपा की सीट रही तो सफाई निकलती है यहाँ से। नहीं, ऐसा क्या बात है, खास बात है सपा में कि सफाई निकल? मुलायम सिंह का या गढ़ रहा है या नेताजी का, तो उन्हीं के वोट है यहाँ सब, उन्हीं का काम है सब, उन्हीं का गढ़ है तो उन्हीं की सीट आनी है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्या नाम है? सुधीर यादव। सुधीर यादव, यहाँ क्या स्थिति लग रही है आपको? सपा, यहाँ पे सपा निकलेगी, मतलब क्या ऐसे काम किए सपा ने कि जो अंदाजा लगा? महंगाई किया हुआ है सब, रोडवेज हाईवे करेल वाला हाईवे जो कुछ है सपा का ही किया हुआ है, सपा ही कर रही है और क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया? नहीं, मेरे समझ से तो कुछ नहीं किया है अभी तक, कोई भी काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं हम लोग विकास की गंगा बहा। नहीं, मुझे कहाँ विकास की गंगा, कहाँ दिख रहा है, कौन सी विकास की गंगा बहा दी उन्होंने? सपा ने ही किया है, जो कुछ है उन्हीं के गढ़ है, उन्हीं वो ही करते हैं सपा के। भाई साहब क्या लग रहा है आपको? बीजेपी, बीजेपी लग रहेगी। क्यों बीजेपी लग रही है आपको? लॉकडाउन में सबको खाना पीना दिया, कहाँ से दिया, घर से दिया क्या? जनता ने लगाया, जनता ने लगाया है, जनता मतलब तो ये बता रहे हैं कि सरकार ने किया लॉकडाउन में। लॉकडाउन में सबका आराम किया है, सबका मदद किया है। समाजवादी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग खुद ही मैदान में थे। कहने में क्या आता है, कहते सब लोग कहते, ये भी कहेंगे हम भी कहने में, अपना अपना कहना तरीका अलग है। अच्छा, बस 100% 90% बीजेपी है। ऐसी क्या खास बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीत रही है? काम किया है। क्या काम किया है? सब 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 सुविधा दी है, सबको आराम है, सबको आराम है। क्या मतलब, ऐसा कौन सी खास बात है जो आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम शुरू से बीजेपी में, शुरू से समर्थन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी रहेगी यहाँ से, यहाँ से बीजेपी निकलेगी। क्या वजह रही है, क्यों बीजेपी निकलेगी यहाँ? बीजेपी रहेगी क्योंकि रोड वगैरह जो भी हैं वो सारा कुछ अभी जो 17 के बाद जो हुए हैं वो रोड वगैरह बढ़िया काम हुआ, जो भी रोड खराब थे वो आज की गंगा बहा दिया, बहा दिया, पूरा बहा दिया। कह रहे हैं बहा दिया विकास। भैया कौन आए भाई, दही ये सब बातें हैं, सब सपा ही निकली है यहाँ से, सपा तो ये सपा ही निकलेगी, सपा। ये तो कह रहे हैं विकास की गंगा बहा दिया। वो तो 8 तारीख को पता लगेगा क्या है क्या नहीं, 8 तारीख को खुल के सामने आ जाएगा। क्या लग रहा है चाचा आपको? हमें अब गुंडागर्दी बिल्कुल सही है, चरम बिल्कुल शांत प्री, अब जो है तो महंगाई है। हेलमेट उतार लीजिए, हेलमेट उतार लीजिए। हाँ, जो महंगाई है वो तो है ही है, बाकी कोई बात ना। क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है इस बार? अब हम लोग तो फूल को ही वोट दे रहे हैं, नहीं फूल यहाँ से फूल ही जीतेगा आपकी। अब जी, अब क्या पता, अब जीत तो वही रही है। नहीं, माहौल तो आप लोग फूल का ही है, तो पहले गुंडागर्दी खूब होती थी कसके, जीते लेकिन जय क्या क्या होता था, गुंडागर्दी होती और गुंडा मतलब मारे गए एक आध बार आप भी। अरे किले हम क्यों मारे गए यार मेरे? नहीं, गुंडागर्दी किया किसी ने, लूट उठ किया कि नहीं किया यहाँ पे आपके पास? हमारे साथ लूट ना करे लेकिन लूट कैसी रही गुंडागर्दी भाई, जान रहे हैं कि कौन कौन प्रताड़ित लेते 10-20 रुपया 10-20 हजार दे जाए और जगाते अब देव अब देव, तो यही होती और कहा। अच्छा, मतलब जबरदस्ती पैसा, कह रहे पैसा छीन लिया जाता था। सही बात है, गुंडागर्दी होती थी, मारपीट होती थी, कोई किसी को परेशान करता, कोई किसी को अपना छोटा बड़ा देख के बात होती है। तो ये तो सब कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी गुंडागर्दी होती थी। भैया जो है 8 तारीख को सामने आ जाएगी, क्या है सबके सामने आ जाएगी, सब खुल के आ जाएगी 8 तारीख को, क्या होना है अभी सब लोग सब तरीके की बात करते हैं, 8 तारीख को सब सामने आ जाएगी क्या है। क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ से डिंपल यादव जी? अरे हमको क्या, सबको लग रहा है, 8 को आपको भी, इनको तो नहीं लग रहा है। तो अपना अपना मत है, जो जिसे चाहे। क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है? डिंपल भाभी, डिंपल भाभी जीत रही है जिल को। ये तो कह रहे हैं गुंडाई खूब हुई है समाजवादी, तो रोज 2-4 रोड पे मारे जाते ना रोज मारे जाते। क्यों भाई, क्या कह रहे हैं कि रोज मारे जाते हैं भाई? ये तो जनता देख रही है, कोक मरता को बच रहा है, जनता देख रही है कोक मर रहा को बच रहा है। क्या लग रहा है आपको?
सपा सपा आएगी, सपा आएगी, ये तो कह रहे हैं भाजपा आएगी। अरे वो कह रहे हैं सब अपनी अपनी चॉइस है वो तो। और गुंडागर्दी की बात तो सुनी लिया आपने? अरे गुंडागर्दी कुछ नहीं है, गुंडागर्दी सब बकवास है जी, और क्या है। यानी कि सपा जो है जी, तो कह रहे सपा आ रही है, बीजेपी आएगी 100% बीजेपी आएगी, बीजेपी ही आएगी, बीजेपी आएगी। मतलब कुछ काम भी तो बता दीजिए इन लोगों को, यहाँ पे जो खड़े हैं। काम ही हुआ है, पूरा काम हुआ है। रोड जो है, रोड अभी आप चल के देखिए, और ये जब सपा दी उससे पहले चल के देखिए तुम रोडों पे, अभी पेट का पानी नहीं हिलता है अभी रोडों पे। कि ये तो पूरा विकास समाजवादी पार्टी के टाइम हुआ है, समाजवादी पार्टी में जो मेन रोड हुए, एक्सप्रेस वे बना है उनकी सरकार में, केवल ये रोड हुए है काम, और ये भी बना है मालिक। नहीं, ये भाजपा ने बता, कह रहा है कि कौन सी सड़क यहाँ बड़ी बना दी है, बताओ। हाँ भैया, कौन सी सड़क बना दी है भाजपा ने, क्या बना दी? वैसे तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं किया है, कि इनकी मर्जी में क्या है, लेकिन निकलेगी बीजेपी। अच्छा किया इन्होंने, लेकिन निकलेगी बीजेपी। क्या लगता है भैया आपको कि क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? माहौल यहाँ भाजपा के अलावा कोई है ही ना, भाजपा है एकदम क्लियर, क्लीन स्वीप। हाँ, किस हिसाब से कह रहा है ये सब? तो कह रहा है कि सपा जीत रही है। कैसा जीती है? बेकाव ठाकुर को टिकट दे दें, ब्राह्मण को टिकट दे दें, साके को टिकट दे दें, दही गए ना। अच्छा, अपने घरवाल ने कोई दिए? और उत यादव होते, मानिक चंद हैं, अनिल यादव हैं, बहुत से नेता हैं यादवों में, उन्हें दे देते। तो यानी परिवारवाद की वजह से हार रही सपा? परिवारवाद, बाकी वाद, जितनी सड़कें उनने बनवाई हैं 3 महीना में टूटी गई, दोबारा फिर ठेका दे दोगे दोबारा फिर बनी गई, 4 महीना बाद फिर टूटी गई। भाजपा ने यहाँ पे काम किया है, इसका मतलब भाजपा ही को काम बोल लो, और यहाँ है किन को काम? ये तो सब क्या लग रहा है आपको? हम तो कुछ अपनी पर्सनल बात कहना चाहेंगे। बता दीजिए। पर्सनल बात ये है, 7 साल हो गई है जो हमारी जमीन का विवाद है, वो आज तक हमारी सरकार ने उसका हमें निष्कर्ष निकाल के नहीं दिया। डीएम के पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, लेखपाल के पास जाते हैं, किसी के पास जाइए आप तो बस एक ही बात कहते हैं, जब हमारा 2000 रुपये आप प्रधानमंत्री जी से आता है तो हमारी ज़मीन है कि नहीं यहाँ पर? आप पहले हमें ये, हम जब सब लोगों को तहरीर देते हैं डीएम को, किसी ने कब्जा कर रखा है जमीन पे? हमारी ग्राम खरपरी लगता है। हाँ, किसने कब्जा कर लिया है? कब्जा हमारे जो है, अब हम तो एससी से हैं। हाँ, जो मतलब हाई लेवल पे है उन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है। कौन है हाई लेवल पे, क्या नाम है? अभी मैं आपको बता दूंगा, मैं गवर्नमेंट को भी दे चुका हूँ, लेकिन गवर्नमेंट उनको। अरे आपकी तो ये समस्या है, यहाँ से जीत कौन रहा है तो बताइए। जीत रहा है। कौन जीत रहा है? जो हमारा काम करके देगा वो ही जीते। अरे कौन काम कर रहा है, किसी ने काम? सरकार में जब हमारी सुनवाई नहीं है तो हम जितवाएंगे नहीं किसी को, नहीं मतलब क्या वोट नहीं, हम लोटा में वोट डालेंगे। लोटा में? हाँ हाँ। तो ये लोटा वाले हैं ये सब कह रहे हैं कि भैया किसी को किया नहीं, परिवारवाद बहुत है। सपा जीतेगी, सपा सपा जीतेगी, सपा सपा बिल्कुल सपा। और क्यों, भाजपा के लोगों ने कब्जा कर रखा है क्या? हाँ हाँ हाँ, भाजपा के लोगों ने, ये तो कह रहे हैं भाजपा के लोगों ने कब्जा कर रखा है इनकी जमीन पे। कहाँ पे? खरपरी में। तो कह रहे हैं 17 से लेके अभी तक कोई वही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। कह रहे हैं 17 से लेके अभी 17 के बाद से हम लोगों का जो है वो कब्जा हो गया है, अभी तक कोई उसमें सुनी नहीं जा रही। अब जो जाइए ही ना काऊ के पास, किन्ने ना सुनी? हमारे माननीय मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह हर शनिवार को यहाँ बैठते हैं, सोमवार को उनका बेटा बैठता है, कोई भी दिक्कत है वहाँ जाइए तुरंत सुनवाई होती है। हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान बैठते हैं, उनके पास जाइए, उन्हें बताइए जाके। तो यानी कि सुनवाई हो रही है, लोग जाना नहीं चाहते हैं, कहने का मतलब ये। तो इस वक्त मैनपुरी की जो सड़कें हैं वहाँ पे हम मौजूद हैं, लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम कयास लगा रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताने की बात कर रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है। बहरहाल 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि मैनपुरी में किसका पल्ला भारी रहा और किसने कितनी मेहनत की। और रही विकास की बात, तो 8 तारीख के बाद ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि किस दल ने कितना विकास किया है और किसको ज़्यादा मत मिले हैं।
कैमरामैन रजनीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।